दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा की पत्नी व लोकसभा खजुराहो प्रत्याशी श्रीमती कविता राजे ने ग्राम पंचायत चौबर में आज जनसंपर्क किया। इस अवसर पर रानी साहिबा ने भाजपा पर सीधा निशाना लगाते हुए कहा कि भाजपा ने देश को बर्बाद करके रख दिया है, नोटबंदी के जरिए काले धन वालों की मदद की। उन्होंने बताया कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस केंद्र के सत्ता में आते ही देश के 20% गरीब परिवारों की न्यूनतम मासिक आय 12,000 रुपए सुनिश्चित करेगी। इसके लिए वह उनके खाते में 72,000 रुपए सालाना डालेगी। श्रीमती कविता राजे ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने देश के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने की कांग्रेस पार्टी की घोषणा को देश में गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए कहा कि कांग्रेस देश से गरीबी मिटाएगी। उन्होंने कहा, अगर मोदी अमीर को पैसा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी तथा जीएसटी जैसे कदमों से मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। मोदी ने नोटबंदी के जरिए काले धन वालों की मदद की, जबकि कांग्रेस किसानों की रक्षा और युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि आज देश कांग्रेस की और आशा की उम्मीद लगाए बैठा है, इसलिए कार्यकर्ता पूरी जी जान से एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताए और केंद्र में पार्टी की सरकार बनाने के लक्ष्य पर मजबूती से आगे बढ़े। आइए देखते हैं हमारे छतरपुर ब्यूरो चीफ अरविंद शिवहरे की खास खबर MNS न्यूज के लिए। बंजर की सरकार आई तो कम से कम खाद तो दई, नहीं तो ऐसा वो कितनी हो गई थी, दो कितनी की हो गई थी बोरी खाद, 1600 की हो गई थी। और जब भाजपा की सरकार रही आती तो 2000 पे पहुंच रहती वा। सो कम से कम अब पंजाब की सरकार है तो कम से कम शांति तो है, बहुत शांति है अपनी यही सरकार के चुनने। और हम तो कह रहा परन के आपके नाती राजा हमारे तो अपने है ही है, हम और उनके भी मजबूती में है आप परन के काम करने के लाने ये घर को काम जितनी भी रंग चले जाओ लोग खा जाए भैया। हम सब जने ध्यान रखियो, जो आप लड़ रहे जो चुनाव हाँ, हर एक आदमी हर एक कार्यकर्ता अपने घर की रानी साहब लड़ रहे हैं चुनाव हाँ। विकास हुए अपने सबको विकास हुए थे हाँ। अबे तक दूसरे बने थे कहाँ के नागौद के थे, अब अपने रानी साहब बन रही बार सांसद तो अपने देखो हुए विकास, राजा विधायक हो गए कांग्रेस की सरकार, अब सांसद भी अपनो बन जाए फिर कितनो विकास हुए जो के वो हुए। सो एक बार और सबका कांग्रेस के वोट देने एक चीज, जिनके नाम आ गए हैं उनको होना ही है, जिनके नाम आ गए हैं चुनाव के कारण का है कि आचार संहिता के कारण नहीं हो पा, जैसे चुनाव होंगे वो होने, नाम आगो मतलब आपको होने। कमलनाथ जी की राज्यपाल दस्तखत हो गए, कर्जा माफ ना होंगे तो जेल में खुद के पूरी काम है, उनके बहकावे में नहीं आना। हाँ नहीं, सबको कर्जा माफ हुए जितनो जी को है, जी के भी नाम आ रहे हैं उनके कर्जा माफ होने। अत्यंत में कांग्रेस की सरकार बने 6,000 रुपया हर महीना एक माने एक परिवार के घर से यहाँ है, जिनकी 12,000 रुपया कम आए, कम आए 12,000 तक आए प्रति, वो अभी अपने घोषणा पत्र में राज्यपाल की माने 10 करोड़ वो तो सीधे जो होगा कि भाई जैसे अपन को कागज में नहीं कह दी कि जो चीज हम कर भी स्टाम्प पे और ना करी सुबह। तो MNS न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और